वेलकम गाइस, स्वागत है जैसे एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सैमसंग गैलेक्सी M34 5G मोबाइल में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल में स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन, तो आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना और यहाँ से आपको लॉक स्क्रीन टाइप पे क्लिक कर देना और जो आपने स्क्रीन लॉक बनाया है वो आपको डाल देना। अगर दोस्तों नहीं बना रहेगा तो आपको पहले एक लॉक बनाना से पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे ही बना लेंगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अपने फिंगर को टच करके स्कैन करवा लीजिएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्कैन और आप भी अपने मोबाइल में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको टच करना है और जब दोस्तों आपके मोबाइल में पूरा फुल हो जाता है उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे दोस्तों इस तरह से देखने को मिल जाता है, यानी फिंगरप्रिंट आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल में सक्सेसफुली दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, मोबाइल को लॉक करता हूँ, फिंगर को टच करता हूँ, मोबाइल अनलॉक हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में सब तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर पाएंगे।